हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको राखी बनाना बताऊंगी। आप कोई भी सा सिल्क का थ्रेड लेंगे, एक गत्ते का टुकड़ा लेंगे और अब इसको आप ऐसे रोल करेंगे, ऐसे लपेटते जाएंगे। ऐसे पूरे खूब सारे लपेट लेंगे हम, खूब सारा लपेटेंगे, ऐसे लपेटते ही जाएंगे आप। अब हम इतना लपेट लिए, अब ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हम सुई लेंगे और सुई से ऐसे निकाल के आप यहाँ से ऐसे पेक कर देंगे। और पेक करने के बाद यहाँ से धागा तोड़ देंगे हम। धागा तोड़ने के बाद इसको यहाँ पुट्ठे से अलग कर लेंगे। अब इसको बराबर करने के बाद ये बराबर कर लेते हैं। अब इस दोनों को पकड़ के इसको पूरे ऐसे बांधने हैं, इसको ऐसे लपेटना है। ऐसे तीन चार बार लपेट लेंगे, फिर उसके बाद सुई से इसमें गठान डाल देंगे। ऐसे ऐसे गठान डाल देंगे। ऐसे ये गठान डालने के बाद आप सीजर से इसको काट लेंगे। ऐसे काटने के बाद इसको यहाँ से भी ऐसे कटिंग करना है, ये ऐसा, ये ऐसे। अब इसको जो छोटा बड़ा है थ्रेड उसको बराबर ऐसे काट लेंगे, ऐसे बराबर कटिंग करेंगे दोनों तरफ को। ये ऐसे ये कटिंग हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैलाएंगे हम, ये ऐसे फैला के रखेंगे, ये ऐसा। अब इसको हम फैलाकर बटरफ्लाई का शेप देते हैं, ये ऐसा। उसके बाद आप इसके बीच में ग्लास भी लगा सकते हैं या मोती भी लगा सकते हैं, ऐसा मोती भी लगा सकते हैं आप, और ग्लास का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें फेविकोल से बीच में मोती लगाते हैं, ये ऐसा। इसमें मैं अब बॉल चेंज का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग स्टोन भी लगा सकते हो, ये ऐसे। इसमें फेविकोल पहले लगा लेंगे हम, ऐसे सर्कल में लगाएंगे और इसको
यहाँ से ऐसा। अब मैं इसमें ये लेस का उपयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो साटन रिबन ले सकते हो या मोली धागा ले सकते हो। इसमें लेस लगाने के लिए आप ऐसा नीचे या इसमें फेविकोल लगाएंगे और ऐसा लेस लगाएंगे, लेस के ऊपर ऐसे। ओके, आप एक सर्कल काट लीजिए और इसके पीछे आप ऐसे लगा लीजिए, ये ऐसा, और आपका ये राखी तैयार हो गया। ओके, आपका बटरफ्लाई राखी कंप्लीट हो गया। ये देखिए, थैंक यू।